Ask his tech present. Preview. One like. Please. मेरे नाचे यारी होए नी तू सोनी बाली करदा दिल मिलन नु काली। सो हे गाइस, वेयर कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की न्यू वीडियो को बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो इस वीडियो को हम अलाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप अलाइट मोशन ऐप डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, बढ़ते हैं अपनी वीडियो के तरफ। ओके, वीडियो एडिट करने के लिए लाइट मोशन में आना है, प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 9:16 के साइज में, और आपको प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ से अपनी फोल्डर को सेलेक्ट करना है, फोटो को ऐड करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर के आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम HPNG को सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, फोटो को सेव कर देना है, फिर इस फोटो को डिलीट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर के आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम HPNG को सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, फोटो को सेव करना है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसी प्रकार से आपको अपनी फ़ोटोज़ को ऐड कर करके क्रॉप करते रहना है और सेव करते रहना है। तो टोटल 6 फोटो को यहाँ पे आप क्रॉप करके सेव कर लेना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे जल्दी अपनी फ़ोटो को क्रॉप करके सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे आप फोटो को क्रॉप कर लेंगे, यहाँ से बैक आ जाना और बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब स्लाइड करके नीचे आना, सबसे नीचे, उसके बाद सबसे नीचे में जो लेयर है इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर सेलेक्ट मीडिया नोट फोन पे क्लिक करना है, ऊपर आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है, अपना पहला फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। ओके, इस प्रकार से फिर सेलेक्ट करके आगे जाना है और यहाँ पर फोटो चेंज करना है 7 सेकंड पे। तो यहाँ पे अपना सेकंड फोटो को एडिट करना है, लेयर पे क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करके फिर मीडिया नोट फाउंड पे क्लिक करना है, सेकंड फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक करना है। तो सेकंड फोटो ये है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट इस पर क्लिक करना है, पहले यहाँ पे क्लिक करना है स्टार वाले आइकन पे, फिर मीडिया नोट फाउंड पे क्लिक करना है, फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो, फिर नेक्स्ट वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है और अपनी फ़ोटो को ऐड करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। ओके, तो पहले जो है आप स्टार वाले आइकन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखते हो इस पर, इस वाले आइकन पे, फिर जाके मीडिया नोट फाउंड का ऑप्शन आएगा, वरना आपको होगी कि मीडिया नोट फाउंड का ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं है तो आएगा। तो फिर यहाँ पर 12 सेकंड में फ़ोटो को चेंज कर देना है। ओके, यहाँ पर अपना तीसरा फोटो को ऐड करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एंड यहाँ पर 3 लेयर है, तो इन 3 लेयर में आपको अपना तीसरा फोटो को ऐड करना है। उसके बाद फिर आपको अपनी फ़ोटो को चेंज कर देना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो मैंने तीसरा फोटो को ऐड किया, अब यहाँ पे डबल इट मार्क है, तो इसके बाद फोटो चेंज कर दूंगा, यहाँ पे चौथा फोटो को ऐड कर लूँगा, फिर डबल इट मार्क आएगा तो मैं यहाँ पे फोटो को चेंज कर दूँगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं अपना 5वां फोटो को ऐड करूँगा। अब यहाँ से लेकर आगे डबल इट मार्क तक जितना भी लेयर्स है, सभी में ये 5वां फोटो को ऐड करते जाऊँगा। तो इसी प्रकार से आपको फ़ोटो को ऐड करना है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ओके, यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टार वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर मीडिया नोट फाउंड पे क्लिक करके फोटो सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से जो है आप अपने सही फोटो को ऐड कर लेना। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर डबल इट मार्क आएगा, तो यहाँ पर हम फोटो को चेंज करेंगे, ये डबल इट मार्क है 19 सेकंड पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो हमारा 19 सेकंड में डबल इट मार्क है, इसको हम यहाँ पर फोटो को चेंज कर देंगे। ओके, इस प्रकार से, और अपना लास्ट फोटो को ऐड कर लेंगे, और ये लास्ट फोटो हमारा लास्ट चले जाएगा। अब लास्ट जितना भी लेयर्स है, सभी लेयर्स में इसी फोटो को ऐड कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, इस बार से ऐड कर लेना है, उसके बाद जैसे आप ऐड कर लेंगे, आपकी वीडियो जो है कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अच्छे से अपनी वीडियो को पहले देख लेना है,
फिर आपको शेयर के आइकन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।